हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गारा एजुकेशन। मेरा नाम है अंजलि वर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं सेंट टेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। टेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एजुकेशन। द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स ऑल बेसिक फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स सच एज लाइब्रेरी, हॉस्टल, मेस, कंप्यूटर लैब्स, ऑडिटोरियम्स, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विसेज एंड वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स। ये यूनिवर्सिटी ये सर्वन अर्मेनियन में लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी 1992 में स्टैब्लिश हुई थी। रैंकिंग की मैं बात करूँ तो कंट्री रैंकिंग यूनिवर्सिटी की 39 है, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग 13,077 है। यूनिवर्सिटी NMC एंड WHO अप्रूव्ड है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नो डाउट फैसिलिटीज बहुत अच्छी होंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है अबाउट फी स्ट्रक्चर, अबाउट फैसिलिटीज। सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्सिटी में आपका जो कंप्लीट कोर्स होने वाला है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। उसके लिए आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर फेस करने के लिए नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकमात्र ओनली बैरियर होता है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेस करते हैं, वो होता है लैंग्वेज बैरियर। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट कोर्स इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ की। वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका हॉस्टल होने वाला है। हॉस्टल आपका कोई बहुत दूर नहीं होगा, कोई अलग से एक्सपेंस आपको स्पेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी, वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। आप आराम से वॉक करते करते हॉस्टल से कैंपस, कैंपस से हॉस्टल जा सकते हैं। आपको शेयरिंग रूम्स मिलते हैं, आपको इंडियन स्टूडेंट्स के साथ ही अपने रूम शेयर करने होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, आपको मिलती है इंडियन फूड फैसिलिटीज़। जी हाँ, आपको इंडियन फूड फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं यहाँ पर। फैसिलिटीज़ नो डाउट आपको हर एक चीज़ एकदम बहुत अच्छे से मिलेगी। लाइब्रेरी में आपको ई बुक का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने साथ किसी बुक की फोटोकॉपी भी लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस पार्ट का वेट कर रहे हैं। तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर जो होने वाला है कम्प्लीट 6 ईयर्स का कोर्स, तो आपका 5 ईयर्स का ही होने वाला है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है 1 ईयर की, बिना किसी एक्स्ट्रा फी के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। आई गेस ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो अब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी आपकी होने वाली है 18 to 20 lakhs, जिसमें इंक्लूड होने वाला है हॉस्टल फी, फूड एक्सपेंस, ट्यूशन फी, मेडिकल इंश्योरेंस और साथ ही साथ आपका वीजा सर्टिफिकेशन। ये पांचों एक्सपेंस इंक्लूड करने के बाद ही मैंने आपको टोटल एक्सपेंस बताया है, और ये आपको कंप्लीट 6 ईयर्स का होने वाला है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके लिए टू परस्यू MBBS फ्रॉम अब्रॉड। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है MBBS को लेकर के या फिर MBBS अब्रॉड को लेकर के, आप कैसे एडमिशन प्रोसीजर करना है, कैसे उसको एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करना है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपके पास नीचे दिया गया नंबर है, आप उस पर कॉल कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे एडमिशन प्रोसेस फॉलो कराने में या फिर आपको इनविटेशन लेटर दिलवाने में, हम आपको हर एक चीज़ में गाइड करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।